मुगल सराय, इलाहाबाद, फैजाबाद आदि के नाम बदलने के बाद भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चुप बैठने वाली नहीं दिख रही है। अभी यूपी के कई ऐसे तमाम शहर हैं जिनके नाम बदले जाएंगे और जिनके नामों को बदलने के कायास लगाए जा रहे हैं, उनमें मुजफ्फरनगर और आगरा शहर का नाम टॉप में है। दरअसल इलाहाबाद का नाम प्रयागराज और फैजाबाद का नाम अयोध्या रखने के बाद योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार की ओर से कई शहरों के नाम बदलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ताजा मामले में बीजेपी विधायक जगन प्रसाद गर्ग ने आगरा शहर को लेकर मांग की है कि आगरा को आगरावन या अग्रवाल नाम दिया जाए। दरअसल बीजेपी वाले ताजमहल को एक राजपूत राजा का बनवाया से मंदिर कहते हैं और अब मांग कर रहे हैं कि आगरा का नाम बदलकर अग्रवाल कर दिया जाए, क्योंकि यहां अग्रवाल समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। आगरा के बीजेपी विधायक जगन प्रसाद गर्ग ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर यह मांग की है। इतना ही नहीं, यूपी के मुजफ्फरनगर का नाम बदलने को लेकर भी बीजेपी विधायक संगीत सोम ने आवाज बुलंद कर दी है। उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत शहरों के नाम बदले जाने हैं, मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर लोगों की पहले से ही मांग है। मुजफ्फरनगर नाम एक नवाब मुजफ्फर अली ने किया था, लोगों की सदियों से मांग है कि इसका नाम लक्ष्मीनगर किया जाए। मुगलों ने यहाँ की संस्कृति को मिटाने का काम किया है, खासतौर से हिंदुत्व को मिटाने का काम किया है। बीजेपी उस संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रही है। इससे पहले बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने की मांग की है।